going to teach you the chapter Bhasha Sajjata, and that is the basic knowledge of Sanskrit grammar. If you are going to learn the word or Sanskrit letter or Sanskrit sentence, you have to know this basic knowledge of Sanskrit grammar. And this is word parichay. The chapter is, the topic is Bhasha Sajjata, that means good knowledge of language, right? Sanskrit भाषा के अच्छी नॉलेज के लिए जो भी हमें सिंपल और छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे. तो पहला है वर्ण परिचय. वर्ण का मतलब होता है, वर्ण मतलब क्या होता है? लेटर्स. संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, सब में आपको लेटर्स तो मिलेंगे, राइट? तो लेटर्स उसको संस्कृत में वर्ण कहते हैं. और उसका साउंड, वर्ण मतलब होता है साउंड, मतलब हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस लेटर, इट्स कॉल्ड साउंड. द डेफिनेशन इज अ वोवेल और अ कंसोनेंट इज नोन एज वर्ण. कोई भी वोवेल या फिर कंसोनेंट को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. और दैट यू आर नोइंग व्हाट इज वोवेल and what is consonant. In English also a e i o u is a vowel and rest of the letters is consonant. Here is vowel are 13 that we will learn after. First word, what is word? Sound of vowel or a consonant is known as word. Second is swar. Swar or vowels, ye bhi aap jante ho. Vowel kya hota hai? O a e e, ye vowel hota hai. The letters which can be pronounced by themselves are known as vowels or swar. ठीक है, जो लेटर खुद से ही प्रोनाउंस होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर या फिर वोवेल. जैसे कि अ आ ई ई उ, ये सारे लेटर जो हैं वो फ्रीली प्रोनाउंस हो रहे हैं. उसमें आपको टिप ऑफ द टंग, टीथ का, लिप्स के यूज का यूज नहीं हो रहा है. वो डायरेक्टली प्रोनाउंस हो रहे हैं बाय एयर और बाय योर थ्रोट, राइट? उससे प्रोनाउंस कर रहे हो, इसको बोलते हैं कंठस्थ. संस्कृत में क्या कहा जाता है इसे? कंठस्थ कहा जाता है. तो आप कंठ से प्रोनाउंस करते हैं वो सारे लेटर जो होते हैं वो स्वर होते हैं, राइट? जो फ्रीली एयर प्रोड्यूस करके और डायरेक्ट कंठ से प्रोड्यूस हुआ जा रहा है, किया जा रहा है जो लेटर, वो स्वर या फिर वोवेल होता है. अब यहाँ पे आप देखोगे नंबर्स ऑफ वोवेल, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर? 13 वोवेल्स आर देयर. व्हिच आर दे? अ आ ई ई उ ऊ रु लु ए ऐ ओ एंड औ. दीज आर 13 वोवेल्स इन संस्कृत लैंग्वेज, राइट? ये आपको अच्छे से याद रखना है. देन थ्री नंबर वर्ण परिचय का थर्ड नंबर का जो है वो है स्वराणाम प्रकारा. स्वर के प्रकार कितने होते हैं? स्वर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोवेल्स. फर्स्ट है ह्रस्व स्वर, जो आपने गुजराती में भी सुना होगा और हिंदी में भी सुना होगा. ह्रस्व स्वर मतलब क्या होता है? शॉर्ट वोवेल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्रस्व स्वर? शॉर्ट वोवेल. देयर आर 5 इन ऑल, दैट इन शॉर्ट वोवेल. जो संस्कृत में स्पेशली मैं बता रही हूँ कि संस्कृत में शॉर्ट वोवेल जो होते हैं वो ये 5 हैं. 5 आर देयर, अ ई उ रु एंड लु. ये थोड़ा आपको अलग लगेगा लु, जो अभी मोस्ट ऑफ लेटर्स में हम ये नहीं देखेंगे. हमारे सेंटेंस में भी आपको ज्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि ये वैदिक है, मतलब एंशियंट वर्ड जो यूज किया जाता था संस्कृत में वो है वैदिक लैंग्वेज के टाइम पर ये लु का यूज होता था. अभी आप यही देखोगे अ ई उ और रु. ये शॉर्ट वोवेल क्यों है? क्योंकि आप इसको दो तीन बार प्रोनाउंस करो घर पे और देखो कि ये शॉर्ट कैसे है. आपने अ बोला, अ शुरू किया और एंड जल्दी से हो गया, तुरंत बोल के आप चुप हो गए, तो ये अ है. ई उ रु रु मतलब इसमें आपने लॉन्ग तक आपने उसको जाने नहीं दिया, आपने बोल के और आप स्टॉप हो गए हो, ठीक है? आप अपने एयर को, अपने आवाज को दूर तक नहीं ले जा रहे हो उसमें, तो ये शॉर्ट का आएगा. शॉर्ट वोवेल है अ ई उ रु और रु, राइट? अब यहाँ पे दीर्घ स्वर, दीर्घ नाम में लिखा है, दीर्घ मतलब बड़ा, यहाँ पे हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा. तो
इसको दीर्घ को क्या बोलेंगे? लॉन्ग वोवेल्स। दीर्घ को क्या बोलेंगे? लॉन्ग वोवेल साउंड। दीज आर एट इन हाउ मेनी? दीज आर फाइव, शॉर्ट आर फाइव एंड लॉन्ग आर एट इन नंबर्स। देर आर एट इन ऑल। अब वो एट जो स्वर है वो कौन कौन से हैं? ध्यान से देखना है आपको, बोलना भी है मेरे साथ। आ ई, देखो आ ई ऊ। लिसन इट ऑल्सो केयरफुली। हाँ, अगर आपने शॉर्ट वोवेल बोला वो भी आपने सुना, मैंने आपको बताया कैसे अ आ ई ई ऊ। अब आप लॉन्ग बोल रहे हो तो आप कितना टाइम ले रहे हो? शॉर्ट में हम जल्दी बोलते हैं, लॉन्ग में थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो यहाँ पे है आ ई ऊ रू ए आई ओ औ। ये सारा क्या है? लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन वाला लेटर्स हैं। तो लॉन्ग जो आप बोलते हो लंबे टाइम तक इसको प्रोनाउंस कर रहे हो, इसलिए ये लॉन्ग वोवेल कहलाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट और ये लॉन्ग। लॉन्ग में जो एट है आ ई ऊ रू ए आई ओ औ, एट हो गई है। ये है दीर्घ स्वर से कहते हैं। उसके बाद है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब देखो हिंदी में आप जानते हो संयुक्त क्या होता है। संयुक्त मतलब मिला हुआ, एक साथ में मिला हुआ, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहेंगे। उस वजह से बोलते हैं डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स आप दूसरे लैंग्वेज में जाओगे तो वो क्या होगा? संधि। मतलब एक लेटर के साथ में अगर आप दूसरा लेटर ऐड करते हो तो वो क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, द लास्ट फोर वोवेल्स इन द लिस्ट ऑफ लॉन्ग वोवेल्स। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? लिस्ट ऑफ लॉन्ग वोवेल्स। लॉन्ग वोवेल का है ये शॉर्ट वोवेल है, ये लॉन्ग वोवेल। अब लॉन्ग वोवेल का लास्ट वाला चार, लास्ट के फोर वोवेल्स, लास्ट के फोर वोवेल्स कौन से हैं? ए आई ओ औ। ठीक है, तो यहाँ पे आप संयुक्त स्वर इसे कहोगे। कैसे कहोगे? ये लास्ट का है, जो लॉन्ग वोवेल में जो लास्ट में एंड में जो वोवेल दिखा रहे हैं यहाँ पे वो है ए आई ओ औ। ठीक है, आर कॉल डिप्थोंग्स। ये चारों जो है डिप्थोंग्स है क्योंकि ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर मतलब यहाँ पे आप दो लेटर्स, दो स्वर को मिक्स हुए देखोगे। ठीक है, तो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर को मिला के ए बन रहा है, अ प्लस ई को मिलाया या फिर आ प्लस बड़ी ई को मिलाया तो ए बनता है। इसलिए इसको हम डिफॉन्स मतलब कि संयुक्त स्वर कहते हैं। नाउ लेट नो द एग्जांपल, राइट? पल्स ऑफ संयुक्त स्वर दैट मीन डिफॉन्स आर हियर। फर्स्ट एग्जांपल ए। ए संयुक्त स्वर है, कैसे? A is equal to A, sorry, A or A plus E or बड़ी E, right? अगर आप A या फिर A को E या फिर बड़ी E से add कर रहे हैं तो बनेगा A, ठीक है? फिर I, I कैसे बनेगा? A और A plus A, A और A को A से plus करेंगे तो हो जाएगा I. फिर है ओ। ओ कैसे बना? वो डिप्थोंग्स कैसे है, संधि कैसे है? दो लेटर उसमें मिल रहे हैं, दो स्वर को हम मिला रहे हैं तो ये बन रहा है ओ। और वो दो लेटर कौन से हैं? अ और आ प्लस उ। ठीक है, अ और आ प्लस छोटा उ ऐड करेंगे तो बनेगा ओ। फिर उसके बाद है औ। औ कैसे बनेगा? अ और आ प्लस ओ, या फिर आप ओ से प्लस करेंगे तो बनेगा औ। तो ये पांच जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्थोंग्स, संयुक्त स्वर या फिर संधि स्वर। फोर नंबर में क्या है उसके बाद का है जो स्पेशलिटी, व्यंजन। हम व्यंजन के बारे में सीखेंगे। व्यंजन दैट मीन कॉन्सोनेंट, द साउंड और लेटर विच कैन क्लियरली प्रोनाउंस्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ वोवेल इज नोन एज Understand it more clearly. Now, dear students, understand it more clearly. Sanskrit Varnamala, that is Devanagari script written in. Swar 13 are there. A, A, E,
ई उ रु ए आई ओ औ एंड लू। लू इज नॉट यूजिंग इन राइट टाइम। सेकेंड इज अ विसर्ग, क वर्ग, क ख ग घ अंग। नाउ च वर्ग, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? च छ ज ज इ, फाइव लेटर्स आर देयर इन च वर्ग। एंड ट वर्ग, ट ठ ड ड अण, दीज आर द ग्रुप ऑफ ट वर्ग। नाउ प वर्ग, प फ ब भ म, फाइव लेटर्स आर देयर। अंतस्थ, य र ल व। एंड उष्म, श श स ह। उष्म जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम अपने टंग का यूज़ करते हैं जिसमें हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए उसे उस कहते हैं।